नमस्कार आप सभी को, मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आईक्यू स्टार्टअप में। और मैं आज बहुत खुशी के साथ आप सभी को बताना चाह रही हूँ कि आज जो है हम लोग 100 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुके हैं। इसमें इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आशा करती हूँ कि आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में सेफली रह रहे होंगे, और साथ ही साथ अपने साथ साथ अपने फैमिली का भी पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को जैसा पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हमारी रूटीन बन चुकी है। हम हर सुबह हमारा जो टाइमिंग है वो मंडे से लेके सैटरडे तक हर सुबह 7 बजे, अभी चूँकि यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है इसलिए बारी बारी से करके एक दिन आपका अल्टरनेट करके MWF में आपका 9th की वीडियो डल रही हैं और TTS के सेक्शन में आपका 10th का वीडियो डल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका टाइमिंग क्या है, सुबह 7 बजे आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। और दूसरी बात ये कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 100 तक पहुँच चुके हैं, मतलब काफ़ी कम टाइम में 7 दिन हुए हैं अभी मुझे चैनल बनाए हुए और हमें अपना लिंक मिल गया। तो इसके लिए मैं दोबारा से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लगातार हम इस पर बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो जो है प्रोवाइड कर सके। आप देख रहे भी रहे होंगे कि हमारी पहली वीडियो से लेकर अभी तक की वीडियो में कितनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। तो मैं भी लगातार कोशिश कर रही हूँ, आप भी अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं बार बार कहती हूँ आपको हर वीडियोस के अंदर कि लगातार आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जैसे अगर जो 9th-10th के बच्चे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 आप लोग अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं अपने स्कूल के, अदर स्कूल के, कहीं से भी अगर वो हैं तो प्लीज़ उन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि जो मेरा मकसद है वो पूरा हो सके। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कोरोना वायरस की जो इस तरह की जो वैश्विक प्रॉब्लम आ चुकी है हमारी पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारा भारत भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। 21 दिनों की लॉकडाउन अभी तक हुई है, आगे भी ये कहाँ तक जाएगी कोई निश्चित नहीं है। और इतना तो तय है कि अभी स्कूल शायद ना खुल सके, इसी बेस पे सारे स्कूल्स वाले भी जितने भी स्कूल्स हैं वो भी ऑनलाइन टीचिंग पे जोर दे रहे हैं। तो इस यही सब प्रॉब्लम्स को मैंने जब सोचा इसके बारे में बहुत डीपली जाके सोचा था, फिर तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करना होगा कि घर से ही हम घर तक जो है ये चीज़ें पहुंचा सके, एजुकेशन जो है वो हम घर तक पहुँचा सकें। और यही सब सोच के साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है मुझे। तो ये तो हो गई कि वो मैंने स्टार्ट क्यों किया। दूसरी बात ये कि आप लोगों से जब मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ वीडियोस में, तो वहाँ पे मुझे एक इशू नज़र आ रहा है कि बच्चे कहाँ समझ पा रहे हैं या कहाँ नहीं समझ पा रहे, उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी आपको कोई वीडियोज़ में इशू दिखता है या फिर कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती या फिर आपको कोई चीज़ें पूछनी होती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, हम अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत शायद आपको दिख भी रही होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी ओर से राय दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ तक सक्सेस हुए हैं और कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें करने की ज़रूरत है। लगातार आपको पता है कि मैं अभी गांव में हूँ और गांव में रहने के कारण यहाँ पे एक तो इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, दूसरी बात ये कि वीडियोज़ अपलोड होने में टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें गैदरिंग हो रही है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे ना मेरे पास बुक्स अवेलेबल हैं, जो मतलब अभी मेरे पास करीब 9th-10th के 3-4 जो प्रकाशन के बुक थे, लेकिन अभी यहाँ पे फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है कि उन सब का मटेरियल मैं दे सकूँ।
फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ बेस्ट करने की, अपने नोट्स जो मेरे पास पहले थे उन नोट्स से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी बेस को मैंने पहले वीडियो में ही बताया था आपको कि यहाँ पे हम एनसीईआरटी को बेस मान के चल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर वो बिहार बोर्ड हो। अगर आप दोनों को मैनेज करके पढ़ोगे, बीएसएससी का सॉरी बिहार बोर्ड का आप देख लो सिलेबस हो, पैटर्न हो, जो भी है, या फिर सीबीएसई का पैटर्न है, पढ़ना दोनों में सेम ही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। और इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वीडियोस के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें प्रोवाइड करूं, ताकि जो उसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच सके। ये तो हो गई कि किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक और आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर एक और सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। वो सीरीज़ है अभी क्वेश्चनाइजिंग की, जो कि आपको बहुत जल्दी कुछ शायद नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल बस उस पर रिसर्च कर रही हूँ मैं कि किस तरीके से उसको अपलोड करूँ। और साथ ही साथ मैंने सोच रखा है कि अभी तक जितने भी हम लोग टॉपिक्स करते जा रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनको हम एक सीरीज में बनाएंगे और फिर उसको करेंगे। अभी मेरा जो स्टडी का जो जो तरीका है, उसमें हमने सोचा है कि पहले बायो की जो चीज़ें हैं, बायो का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग केमिस्ट्री पे आएंगे। कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए और भी टीचर्स इस चैनल पे अवेलेबल करवाऊँ, ताकि आपको और भी जो जो सब्जेक्ट, जैसे एक कमेंट आया था, नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम मैथ्स पढ़ाइए। तो बेटा पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, वीडियोस अपलोड नहीं हो पाएंगे, और जब अपलोड नहीं होगा तो फिर मेहनत करना मतलब कैसे क्या करेंगे, जो चल रहा है वो भी रुक जाएगा। तो चीज़ें सुधार हो रही हैं, उसमें लगातार मैं काम कर रही हूँ और सोच रही हूँ इस पे काम करने के लिए कि कुछ और टीचर्स, जैसे मैथ्स के और इंग्लिश के, ये सारे टीचर्स मैं अवेलेबल करवाऊँ, उनके भी एक दो जो क्वेश्चंस हैं उनके भी एक दो क्लासेस जो हैं वो बीच बीच में ऐड करते जाऊँ, ताकि जैसे सिलेबस की अभी मांग हुई है क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर की मैथ्स की जो सिलेबस है, जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए। तो बात हुई है मेरी, अब देखिए कुछ दिन में अगर वो रेडी हो जाते हैं तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम अपने चैनल पे डालेंगे, ठीक है। तो नाराज़ मत होइए, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें होंगी, आप जैसा मांग करोगे हम वैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इसी रिसर्च पे लगे हुए हैं कि कैसे हम इसको और ज़्यादा बेहतर बनाएं, कैसे हम आप सभी की जो भी मांगे हैं, जो भी मतलब इश्यूज़ आ रही हैं उन पे हम काम कर सकें, और भी चीज़ें इसमें कैसे जोड़ सकें, इसको और कैसे ग्रो कर सकें, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और बाकी तो जान ही रहे हो आप लोग कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। मैं चाहूँगी कि जो बच्चे मुझे जानते हैं वो लोग तो जुड़े ही, साथ ही जो बच्चे हमारे अपने नहीं हैं, मतलब जो जो मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, वो एक बार जुड़ के देखें। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। प्लीज़ हर वीडियो के अंदर कमेंट्स डालिए। कमेंट्स इसलिए क्योंकि जब तक हमें चीज़ों के बारे में असलियत पता नहीं चलेगा कि हम उसमें सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या फिर कुछ और चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, जब तक इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम अपने आप को अपने अंदर सुधार नहीं ला पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और फर्स्ट टाइम तो आप जानते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस पर काम करूँ, और कर भी रही हूँ, बहुत टाइम भी लग रहा है, मेहनत भी लग रहा है, और चीज़ें ग्रो अप भी कर रही हैं। आप लोगों का प्यार मिलता है तो मोटिवेट अंदर से होते जा रही हूँ, और लगातार इसको और भी ज़्यादा सही करने में, और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो
सबके लिए मैं जितना भी शुक्रिया करूँ आप लोगों का वो कम है। तो प्लीज एक मेरी मांग आपसे बस इतनी है कि आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि हमारी वीडियोस जो आ रही हैं उसमें कहीं कोई कमी है, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में बताइए, पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रही है, साउंड क्वालिटी सही नहीं आ रही है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो उसके बारे में प्लीज हमें सजेस्ट कीजिए ताकि हम उसमें और ज्यादा सुधार ला सके। अब बाकी तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग चूंकि बहुत ज्यादा अभी सोशल गैदरिंग से दिक्कतें हो रही हैं, तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए, जो भी सरकार निर्देश दे रही हैं उनका पालन कीजिए, क्योंकि अकेले कोई भी इंसान, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, अकेले कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरा देश चलता है एक एक नागरिक से, हम जैसे आप जैसे नागरिक से, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक जो वयस्क हैं, उन सभी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और जब तक हम अपना रोल नहीं निभाएंगे इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, तब तक देश की तरक्की पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक फैमिली को चलाने के लिए एक फैमिली के हर इंसान को कुछ ना कुछ करना होता है, एक दूसरे की केयर करनी होती है, तब तक वैसे ही पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए भी हम सबको मिलके रहना होगा। अभी जो हम लोग अलग अलग मुद्दों पे लड़ रहे हैं, कास्टिज्म देख रहे हैं, तो इन सब चीजों को अभी भूलना है, बेहतर करने की कोशिश करनी है, जो सरकार हमें निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करना है। यहाँ पे अभी हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, यहाँ पे हम केवल भारतीय हैं। और इसी संदेश के साथ मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।